हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आम बहुत ही मार्केट में मिल रहे हैं और कच्चे आम भी मार्केट में आ रहे हैं। तो आज हम आप सीखेंगे कि कच्चे आम की चटनी, खट्टी मीठी चटनी किस प्रकार बनाई जाती है, और बनाना बहुत ही आसान है। आज वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो आम ले लिया है और मैं इसमें से आधे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी, आधे आम का अचार सिंपल वाला डालूंगी मैं इसमें से। तो खट्टी मीठी चटनी के लिए हम आधा किलो आम लेंगे और आधा किलो ही चीनी लेना है। और गरम मसाले में 2 बड़ी इलायची ली है और काली मिर्च है और जावित्री, और यदि आप ऑप्शनल हैं आप डालना चाहें तो ये डालें, ये मगध है और ये है बादाम, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और ये है काला नमक, इसको पहले वॉश कर लें अच्छे से। वॉश करने के बाद फिर इसको किसनी के माध्यम से आपको जो भी साइड आप लेना चाहें आप इसके तरफ से आप इसको घिस लीजिए। घिसने के बाद आप इसे बाउल में निकाल लें। और एक जार की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम जिस कंटेनर में हम रखना चाहते हैं, हमें वो एक कंटेनर लेना होगा। तो एक कंटेनर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी ये सब चीज़ें आपके पास हो तो आप बहुत ही जल्दी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे छील लेते हैं और छीलने के बाद इसको किस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह इसको किस लिया गया है। और देखिए, ये थोड़े आम कच्चे आम खट्टे नहीं है ज़्यादा, इस वजह से मैंने चीनी थोड़ी कम ली है इसमें। यदि आम ज़्यादा खट्टे हो तो आप थोड़ी चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दें। देखिए, फ्राई पैन मैंने रख दिया हैवी बॉटम का होना चाहिए फ्राई पैन इसमें, और उसमें आप फिर सीधे इसमें इसको डाल दीजिए सर। देखिए, इसमें पानी की वैसे तो ज़रूरत आपको लगती है यदि, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए इसमें। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के ऐसे ही बनने दीजिए 10 मिनट तक। जब तक रोस्ट होता है, जब तक ये कुक होता है, तब तक हम इसको रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी काट लेते हैं। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम जब तक ये और सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ा वेट करते हैं। देखिए, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ये जल भी सकता है। आप इसको चलाते रहें इस तरह से। और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब तक इसको हम इसी तरह पकाते रहेंगे। ढक देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला भून के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये जो बादाम है और ये ये दाने, ये भी मैंने इसको भी रोस्ट कर लिए हैं। देखिए, रोस्ट करने के बाद ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, ये देखिए। तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। आप इससे पहले यदि आप इसे थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हैं। आप इसे थर्मामीटर से भी चेक कर ले तो आप चाहें तो, यदि आपके पास थर्मामीटर हो तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ये 100 तक आ रहा है, देखिए यहाँ तक।
इसका मतलब ये पूरा परफेक्ट बन चुका है। और इसको इस तरह से पूरे में मिक्स कर दें। सबसे लास्ट में एक चम्मच हम विनेगर डालेंगे। आप चाहें तो विनेगर स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी बनके तैयार हो गई है चटनी। ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्वेशन, वैसे तो ये चल जाएगी, काफ़ी दिन चलेगी, 2 से 3 महीने तक आप आराम से इसको रख के खा सकते हैं। ब्रेड में लगा के खाइए, चाहे आप रोटी के साथ खाइए, जैसे आप मर्जी चाहे वैसे इसको खा सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें सिरका भी डाल के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठंडी करने के बाद इसको आप किसी भी कंटेनर में, कोई भी कांच के कंटेनर हो, आप उसमें इसमें भर के रख सकते हैं और फिर इसको किसी भी जगह पे आप इसे रख सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।